से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। नमस्ते, हेलो, मैं हूँ आरजे साक्षी। और मैं आरजे श्रुति, और आप सुन रहे हैं टायस FM। आप सभी को 73rd रिपब्लिक डे यानी 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रुति, आज का प्लान है क्या? साक्षी, एज वी आर इंडियंस और ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो आज तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना और भी बढ़ जाती है। और आज के प्लान की बात करें तो आज का प्लान सिंपल सा है, बस अपने शो के थ्रू अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है और इनका दिन बनाना है। हाँ यार, लेकिन 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 उससे पहले जरा आज की कुछ खास बातें कर लेते हैं, अपने ऑडियंस को अपने चीफ गेस्ट के बारे में बता देते हैं। हाँ यार, इट्स सो सैड, बट अब क्या कर सकते हैं। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स एज चीफ गेस्ट राजपथ परेड पर आने वाले थे, बट अभी कोविड के वजह से कुछ क्लियर नहीं है। वही, और उसी की वजह से हमारे पास ऑडियंस भी कम कर दी गई है, सिर्फ 24,000 ऑडियंस अलाउड है। पर ठीक है, 24,000 भी कम नहीं है हमारे लिए, फिर वो 24,000 हमारा जोश कम नहीं करता। कोई नहीं, होप्स और टाइम के साथ चीजें बेटर होती जाए। चल अब साक्षी, इस बार भी हम एंजॉय करेंगे, बस कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। वैसे आज रिपब्लिक डे है तो सबसे ज्यादा स्कूल की याद आती है, कैसे हम फ्रीडम फाइटर बन के स्कूल जाया करते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग पे डांस करना, उन दो लड्डू का वेट करना, और गाने सुन के छोटे छोटे बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जग जाती थी। वैसे गाने से याद आया, चलिए सुनते हैं आज का पहला देशभक्ति गाना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। यार सच में ये गाना सुन के अपने देश के सैनिकों की कुर्बानी याद आ गई। वैसे आई स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, कितना मजा आता था जब परेड के लिए सुबह जल्दी उठ जाते थे। मैं तो अभी भी राजपथ परेड के लिए उतनी ही एक्साइटेड रहती हूँ जितना बचपन में रहा करती थी, वो अलग अलग झांकियाँ, मार्चिंग और बहुत कुछ। वैसे साक्षी, हमारे इंडिया की एक स्पेशलिटी तो है कि हमारे इंडिया जैसा कोई डाइवर्स नेशन नहीं है, इतने सारे कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स श्रुति, दैट व्हाट मेक्स आवर कंट्री ब्यूटीफुल एंड यूनिक। हर स्टेट की अपनी एक अलग ही खूबी है। वैसे खूबी से याद आया, हमने आज के दिन की खूबी ही नहीं बताई। अरे देखो, चलो चलो मैं बता देती हूँ। आज के दिन 1950 में हमारे देश की खुशी लिखी गई, एक ऐसा दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे देश ने संपूर्ण भारत की ओर पहला कदम रखा। और कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और सल्यूट है उनको, और सिर्फ उनको नहीं, सल्यूट तो हमारे कोरोना वॉरियर्स को भी है जो आज के दिन भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और रिपोर्टर्स जिनकी आज भी छुट्टी नहीं है। हम लोग तो आज को एज ए नेशनल हॉलीडे मनाते हैं, पर वो अपने काम पर आज भी जाते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। सच में श्रुति, ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। बिल्कुल सही कहा तूने। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों, अपने वतन के लिए अपना प्यार कभी कम ना होने दे, इसकी हमेशा इज्जत करें। यार इस वतन ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। जाते जाते अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपना हर दिन एक त्योहार की तरह मनाएं। जाते जाते सुनते जाइए हमारे प्रोग्राम का ये गाना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टेक्निया टीवी एंड स्टे ट्यून्ड टू टायस FM। जय हिंद। यहां हर कदम